हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से नाउन के बेहतरीन 500 क्वेश्चंस। ठीक है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के ऐसे ही बेहतरीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने सेट वन में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक। इस सेट में यानी कि सेट टू में हम लोग देखेंगे यहाँ 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे द बेस्ट आइडिया। देखिए अब द बेस्ट, बेस्ट के पहले द लगा है, यानी कि ये अपना सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट क्वालिफाई कर रहा है इस आइडिया नामक नाउन को। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, सब्जेक्ट बनेगा, ये कैन हो गया वर्ब है ना। कम फ्रॉम द नीवेस्ट पर्सन, अब देखिए कहीं पे भी अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद नाउन आना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो आप यहाँ पे पर्सन्स का प्रयोग नहीं कर करके किसका प्रयोग करेंगे, पर्सन लिखने की कोशिश करेंगे, पर्सन यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगा देंगे इसका, डी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर देयर इज अ डर्थ, ठीक है ना, डेयर इज अ डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर है ना इन आवर स्टेट। ठीक है, मतलब हमारे राज्य में महिला डॉक्टरों की क्या है, कमी है। वी सेल टू रिक्रूट सम, अब देखिए यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो सम लगने की ही वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी नाउन आएगा ये कैसा रहना चाहिए, प्लूरल में रहना चाहिए है ना, फ्रॉम द अदर स्टेट्स। ठीक, अच्छा पहले इसमें कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि कैसे किस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो देयर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे डर्थ, डर्थ मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो इस डर्थ यानी कि डर्थ अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसके बाद ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस डर्थ लिखे होने की ही वजह से हम लोग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर में। जैसे आप अगर ऐसा प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि देयर इज अ किंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ किंग है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहीं पे अगर मान लीजिए कि लिख देते देयर आर, ठीक है, टू किंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे टू किंग्स लिखने की वजह से आप यहाँ पे वर्ब क्या लगा देंगे, प्लुरल में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि देयर का प्रयोग अगर आप इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन दिखाता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत कैसी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एरर बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे सम लिखे होने की वजह से समझ में आता ये है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं क्या लिखना होगा, डॉक्टर्स लिखना होगा। ठीक है, और वुमेन नहीं, इसमें क्या बनाना होगा, विमेन बनाना होगा। जैसे दो नाउन अगर एक साथ आते हैं, ठीक है, तो ये लैटिन नाउन है। जैसे हम लोग मैन का बना देते हैं क्या, मेन, ठीक है, और इसी तरीके से डॉक्टर का क्या बना देंगे, डॉक्टर्स। तो यहाँ पे वुमेन का क्या बनेगा, विमेन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स। ठीक है, तो पहले में देख लेते हैं, यहाँ पे इसका तो प्लुरल बनाया गया है, लेकिन इसका प्लुरल नहीं बनाया गया, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, ये प्लुरल नहीं बनाया गया, ये प्लुरल बनाया गया है, इसलिए इसमें आंसर ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं कि ये भी प्लुरल बना दिया, ये भी प्लुरल बना दिया, तो दोनों सही है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट, ठीक है ना, ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि कहा क्या जा रहा है। देखिए लेक्चरर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं और लेक्चरर की पोस्ट भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कितने भी पोस्ट हो, कितने भी लेक्चरर्स हो, है ना, यहाँ पे आप जब भी प्रयोग करते हैं इंटरव्यू का या फिर एग्जाम का, तो एग्जाम तो बेसिकली क्या होगा, एक ही होगा, या फिर इंटरव्यू भी क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप इंटरव्यूज नहीं, क्या लिखेंगे सही होगा, यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। दोबारा से समझिए, पोस्ट बहुत सारे हैं, क्लाइंट भी बहुत सारे, एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू तो एक ही होगा जो उन सारे पोस्ट को भरने के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यूज नहीं, क्या लिखना सही होगा, इंटरव्यू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ इट वाज अ ग्रेट ऑनर, ठीक है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए इट का प्रयोग भी होता है इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो आप इट के साथ हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा वो सब्जेक्टिव केस में रहता है। ठीक, तो देखो इट के बाद आपने यहाँ पे यूज करना सही माना, वाज, बिल्कुल सही है पूरी तरीके से। ठीक है, ग्रेट ऑनर क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
यहां तक सेंटेंस पूरी तरीके से सही। आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार देना, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर प्रिविलेज टू विटनेस, विटनेस होता है जो चश्मदीद गवाह हो, ठीक है ना, जिसने अपनी आंखों से किसी चीज को देखा हो, ठीक है। दो वर्ड प्रयोग किया जाता है विटनेस के लिए, विटनेस के रूप में, प्रूफ के रूप में, एक हो गया विटनेस और दूसरा होता है इविडेंस, ठीक है। तो इविडेंस हम लोग प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए और विटनेस प्रयोग करते हैं हम लोग लिविंग वस्तुओं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हाई लेवल मीटिंग, देखिए हाई लेवल तो होगा लेकिन मीटिंग क्या होगा, मीटिंग एक ही होगा, मीटिंग्स नहीं, क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखना सही होगा, हाई लेवल मीटिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बिटवीन चाइनीज एंड इंडियाज लीडर, एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन बिटवीन का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो आगे बिटवीन के साथ पेयरिंग बनेगी हमेशा किसकी, ठीक है। बिटवीन के बाद जब भी अगर क्या आएगा, एंड आएगा। इसमें भी दिक्कत दे दिया था, बिटवीन के बाद यहाँ पे टू प्रयोग कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट, इस नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दीज प्रोटेस्ट आर बिकॉज, ठीक है ना। अब देखिए दीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट प्लुरल नाउन प्रयोग किया गया, कोई समस्या नहीं है। प्लुरल नाउन होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब प्लुरल लिया है, कोई समस्या नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान्स, ठीक है ना। अब देखिए गवर्नमेंट्स की जो प्लान है उसके लिए, ठीक है, टू रेज द रिटायरमेंट एज। अब देखिए यहाँ पे किस चीज को बढ़ाने के लिए है ना, रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए, ऑफ पब्लिक सेक्टर इम्प्लाइज, किसके, पब्लिक सेक्टर इम्प्लाइज के लिए, ठीक। अब यहाँ पे बेसिकली दिक्कत यह है कि प्लान क्या है, एक ही प्लान है, क्या प्लान है, द रिटायरमेंट एज, ठीक है। तो इस रिटायरमेंट एज एक प्लान होने की वजह से यहाँ पे प्लान्स नहीं, क्या लिखना सही होगा, प्लान लिखना सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सर्टेन अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए सर्टेन के बाद अमाउंट नहीं, अमाउंट्स लिखना सही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट लिखना सही होगा। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, असर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अमाउंट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब आने वाला नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। तो स्ट्रेस आपको पता है मेंटल टेंशन को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस को अनकाउंटेबल नाउन जैसा ही बिहेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह एक फीलिंग का नाम है, ठीक। तो क्वेश्चन ये सही हो गया यहाँ पे, असर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला। आगे देख लेते हैं। एट वर्क इज नेचुरल, ठीक है ना, क्या है, प्राकृतिक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट वन लर्न्स टू कीप इट इन राइट प्रोमोशन, ठीक है। लेकिन सबको इससे सीखना चाहिए कि उसको कितनी मात्रा में लें, ठीक है। राइट प्रोमोशन का मतलब होता है कि मतलब जितने की जरूरत, अब ये नहीं कि किसी काम को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा असर्टेन अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट लिखना पूरी तरीके से गलत होगा। देखते हैं नेक्स्ट। इन सिटीज मतलब शहरों में पीपल डोंट ऑलवेज, ठीक है ना। अब देखो इन सिटीज पीपल, ठीक है ना, अब ये अपना क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, शहरों में लोग, ठीक है ना। अब ये अपना पीपल लिखा जाता है प्लुरल में, ठीक है, प्लुरल होने की वजह से यहाँ पे डोंट प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सिटीज पीपल डोंट ऑलवेज हैव द टाइम, ठीक है, समय नहीं है लोगों के पास टू कैच अप विथ ओल्ड फ्रेंड्स, किससे मिलने के लिए, कैच अप का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा पकड़ना, यहाँ पे हो जाएगा मिलने जुलने के लिए, ठीक है। विथ ओल्ड फ्रेंड्स, जो पुराने मित्र हैं, और स्पेंड टाइम्स, ठीक है ना। अब देखिए स्पेंड टाइम्स नहीं है, स्पेंड क्या हो जाएगा, टाइम, आप किसी का समय व्यतीत करते हैं, समय अनकाउंटेबल नाउन श्रेणी में आता है, ठीक है। तो स्पेंड टाइम में लिखना सही होगा है ना, विद देयर फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो स्पेंड के साथ आप क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे ना कि टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर, ठीक है, देखो ड्राइवर ने कहा, ठीक है, क्या, अ 100 किलोमीटर्स है ना इज आफ्टर ऑल अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कोड कवर, यहाँ पे होना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा सुधारते हुए चलेंगे है ना, कवर इन हाफ एन आवर और इन 45 मिनट्स, ठीक है ना। बेसिकली इसका मैं हिंदी में मीनिंग समझा देता हूँ। ड्राइवर ने कहा कि 100 किलोमीटर की दूरी कितने देर में कवर की जा सकती है, या एक छोटी डिस्टेंस है जिसको कवर की जा सकती है कितने देर में, या तो आधे घंटे में या फिर 45 मिनट में, ठीक। इस सेंटेंस का हिंदी यही होगा, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपने देखा कि अ लगा हुआ है, ठीक है, ये न्यूमरल हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, ये यूनिट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो किलोमीटर्स लिखा है ना, यहाँ पे किलोमीटर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किलोमीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है एक, ठीक है, 100 किलोमीटर वाले इकाई की, ठीक
ठीक है, तो ये लगे होने की वजह से यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे ना कि किलोमीटर से लिखेंगे, ठीक। बाकी आगे बहुत पूरी तरीके से ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो एक हाथ आपका और एक हाथ उसका मिलेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि शेक हैंड नहीं, शेक हैंड्स लिखना सही मानेंगे, ठीक है। शेक हैंड्स होता है ना कि शेक हैंड होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेक हैंड्स आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। हिंदी समझा देते हैं, एवरीबॉडी वॉज ट्राइंग, सब लोग चाह रहे थे क्या करना, टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाना किससे भी, द मिनिस्टर, जो भी मंत्री महोदय थे उनसे सब लोग क्या चाह रहे थे, हाथ मिलाना। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड, इंटेंस मतलब होता है एकदम जो कड़ाके की ठंड पड़े, ठीक है। इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड, देखो इन व्यू ऑफ का मतलब हो गया देखते हुए, ठीक है, कड़ाके की ठंड को देखते हुए, कोल्ड वेव्स जो लहरें चलती हैं ना, कंडीशंस जो सिचुएशन बना हुआ है, प्रिवेलिंग इन द स्टेट, जो कि स्टेट में क्या हुआ है, छाए हुए है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर, सरकार ने डिसाइड किया है, ठीक है, होली डेज इन ऑल द स्कूल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई। अब देखिए होली डेज नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होली डे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उद्देश्य अपना क्या है, सिर्फ एक ही होली डे रखना है। एक ही होली डे का मतलब ये मत समझिएगा कि एक दिन का होली डे रखा किसके लिए जा रहा है, तो कोल्ड वेव कंडीशंस को कट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होली डेज नहीं, क्या लिखना सही होगा, होली डे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, लिटरेसी रेट्स, अब देखो लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, और यहाँ पे रेट्स नहीं, क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। देखो कोई भी एक ही दर होगा ना, एक बार में लिटरेसी लिखा गया है तो लिटरेसी रेट, ठीक है, और होता मोर्टेलिटी तो मोर्टेलिटी रेट हो जाता, क्योंकि लिटरेसी रेट का मतलब हो गया कि साक्षरता के दर को दिखाना, आप एक साथ बहुत सारे दरों को थोड़े दिखा देंगे, ठीक है। खैर आंसर बनेगा ये, बाकी आगे समझ लेते हैं कि और कहीं कुछ समझने की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन एज लो एज द परसेंट, ठीक है, एज लो एज द परसेंट, वी नीड टू इनकरेज, ठीक है ना, वी नीड टू इनकरेज लोकल पीपल टू बिल्ड स्कूल्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि साक्षरता दर क्या है, जितनी जरूरत है उतने से कम, यहाँ पे दर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 10%, 10% होगा, ठीक। तो साक्षरता दर जो है इस रीजन में 10% से कम है, इसलिए हमें लोगों को इनकरेज करने की जरूरत है। इनकरेज करने का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, प्रोत्साहित करना, किस लिए, किसको प्रोत्साहित करना है, लोकल पीपल को, लोकल जो लोकल के लोग हैं उनको, कि वो क्या बनाए, स्कूल्स को बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कैंडिडेट्स शेयर, ठीक है ना, द टू कैंडिडेट्स शेयर अ रिपुटेशन फॉर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज फॉर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना। अब देखिए स्किल का, स्किल्स तो आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसकी, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की। तो कम्युनिकेशन जब भी होगा एक ही स्किल होगा, जैसे मान लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, राइटिंग स्किल हो गई, स्पीकिंग स्किल हो गई, ठीक है, तो ये सारे मिलकर के स्किल्स आप लिख सकते हैं जब तीनों स्किल्स का एक साथ प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ कम्युनिकेशन की, तो आप यहाँ पे स्किल्स नहीं क्या लिखना सही मानेंगे, स्किल लिखना सही मानेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट आर इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, पॉल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल्स, ठीक है। देखो कहा जा रहा है कि जब तक नए रूल को, ठीक है ना, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, इन्वायरमेंट को, जब तक लागू नहीं किया जाता है, पोल्यूशन विल रीच डेंजरस लेवल, ठीक है। अब देखिए पोल्यूशन पहुंचेगा तो डेंजरस मतलब खतरनाक, और लेवल्स पे नहीं, क्या पहुंचेगा, लेवल पे, ठीक है। लेवल कोई भी एक ही होता है, जैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किसका लेवल क्या है, ठीक है, तो लेवल या तो हाई होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा, डेंजर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लेवल एक ही होता है, एक साथ कई सारे लेवल्स नहीं होते हैं, समझ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंजरस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ऑल अकाउंट्स इंजॉइंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि जितने भी इनका अकाउंट हैं उसमें जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल्स हैं, है ना, लिमिट्स ऑफ 10 लाख एंड अबव, ठीक है ना, जिसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 10 के हिसाब से लाख लिखा हुआ बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिमिट्स लिखना गलत हुआ, क्यों, क्योंकि लिमिट जब भी होता है ना, एक ही लिमिट होता है, बहुत सारे लिमिटेशंस को नहीं सेट किया जाता है, ठीक है, तो कैपिटल लिमिट हो जाएगा कितने की, 10 लाख की, तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं क्या लिखना सही होगा, लिमिट, ठीक। बाकी इसमें देख लेते हैं और कुछ समझने की चीजें हैं क्या इसमें, देखिए
तो लिमिट ऑफ 10 लाख एंड अबव शुड बी रिव्यूड, उसको दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है ना। देखो किसी भी शब्द के साथ अगर आर ई आता है तो समझिएगा उसमें री या अगेन ऑटोमेटिक उसमें इनबिल्ट रहता है, उसमें समाहित रहता है। रिव्यूड का मतलब दोबारा से उसको देखने की जरूरत है, एट लीस्ट वंस अ ईयर, ठीक है, साल में कम से कम एक बार। उसके बाद देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पता लगाना, नर्चरिंग मतलब होता है पालन पोषण करना, एंड डेवलपिंग मतलब विकसित करना, ठीक है। एंड इम्प्लाई टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस पूरी तरीके से सही, आगे पढ़ते हैं। अब देखो अमंग का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जब भी इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए अमंग के बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो द और मोस्ट लगा है, द इस सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए लगाया गया, ठीक है। जब इम्पोर्टेंट का हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके बाद उसके पहले मोस्ट लगाए, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यह इम्पोर्टेंट क्वालिफाई करके इसको इस नाउन को, ठीक है। तो फाइनली जो अमाउंट के हिसाब से नाउन चाहिए वो हमें यहाँ पे मिलता है टास्क, ठीक है। तो टास्क नहीं लिखना, क्या है, सही हो जाएगा टास्क, ठीक है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सी बनेगा, ठीक है। मैं पूरा एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना, नर्चरिंग का मतलब हो जाएगा पालन पोषण करना, है डेवलपिंग का मतलब हो जाएगा विकास करना। एन इम्प्लाई टैलेंट, किसी इम्प्लाई के टैलेंट, इम्प्लाई मतलब कर्मचारी, ठीक है। टैलेंट मतलब जो इसके अंदर जो भी खासियत है ना। अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, किसका इम्पोर्टेंट काम है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसमें मानव संसाधन विकास जो होता है उसका। अगला देख लीजिए, द मैन वाज ड्राइविंग। ड्राइविंग का मतलब यहाँ पे हाँकने से हो गया, ठीक है, जैसे चराना, ठीक है। हॉर्स ऑफ कैटल, हॉर्स ऑफ कैटल नहीं होगा यहाँ पे, आप क्या लिखना सही मानेंगे, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट पे आते हैं, महात्मा गांधी रिमेंड, ठीक है ना, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, ठीक है ना। अपने जीवन में वो क्या रहे, एक धर्म सिद्धांत, उनका अपना ही धर्म सिद्धांत था, ठीक है। तो धर्म सिद्धांत उनका अपना एक ही होगा, इसलिए प्रिंसिपल्स नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है सिद्धांतवादी व्यक्ति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ डेज, ठीक है ना। अब देखिए नाउ डेज का प्रयोग किया जाता है फ्रेज के रूप में, है ना। तो यहाँ पे होना है नाउ और लिखना क्या सही होगा, डेज मतलब आजकल। तो यहाँ पे सीधे सीधे लगा दो क्या, नाउ डेज, ये एक फ्रेज है, इसमें नाउन से एरर बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, फिर भी हाँ फ्रेज है, तो यहाँ पे डे के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, कि आजकल, है ना, दिया हुआ है यंग, आंसर क्या हो जाएगा ये, बाकी समझते। इसमें यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ डेज आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस प्रेशर, ठीक है ना, उनके ऊपर बहुत ही कड़ी प्रेशर है, किस बात के, फ्रॉम पीयर्स एंड पेरेंट्स अलाइक, ठीक है ना, आसपास के लोग हैं उनके और पेरेंट्स जो हैं उनके सेम, है ना। टू फेच हाई मार्क्स, ठीक है ना, कि हाई मार्क्स गेन करो कहाँ पे, पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, नाउ अ डे नहीं नाउ अ डेज होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, साइट्स दीज नॉर्म्स, ठीक है ना, इन सारे नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब होता है नियम कानून का एक सेट या संग्रह, ठीक है। बिसाइड दीज नॉर्म्स द डेटा वाज ऑल्सो एनालाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डेटम होता है शब्द अपना सिंगुलर में, है ना, ये लैटिन नाउन है, इसको आप प्रयोग करते हैं तो जिसमें यू एम लगा रहता है उसके पहले क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, उसके बाद क्या लगा देते हैं, ये रहता है, ये डेटम का बना डेटा, ये हो गया प्लुरल में। अब देखो अब ये प्लुरल हुआ तो क्या इसके हिसाब से वर्ब लिखा हुआ है ये प्लुरल है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें चाहिए प्लुरल वर्ब, ठीक है। तो प्लुरल वर्ब ढूंढने के लिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, ऑप्शंस में, देखिए यहाँ पे वाज लिखा हुआ है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब डेटा प्लुरल है तो इसके पहले एन लिखना, ये भी गलत हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द डेटा हैड एनालाइज लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये मान लो कि सेंटेंस पूरी तरीके से पैसिव में है जो कि दिख भी रहा है, इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, तो अगर हेड वाला हम लोग बनाते तो इसके साथ एक पार्टिटिव लगाना पड़ता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक ही आंसर बनेगा अपने पास, क्या, सी, द डेटा वर ऑल्सो एनालाइज, ठीक, आंसर लिखना क्या हो जाएगा सही यहाँ पे, सी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट में, मैनेजर पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ा देना, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, है ना, फॉर द पोस्ट, कहा जा रहा है कि मैनेजर ने आगे बढ़ा दिया अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस को। अब देखो क्राइटेरियन यहाँ पे जो लिखा जाता है क्राइटेरियन,
ठीक है। तो क्राइटेरियन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये होता है सिंगुलर में। अब जिसमें ओ एन लगा रहता है उसको हम लोग रिप्लेस करते क्या लगा देते हैं, ये। तो यहाँ पे लिखना क्या सही हो जाएगा, क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे आप क्राइटेरिया लिखोगे ये ऑलरेडी प्लूरल बन गया, तो ये प्लूरल बनाने का तरीका ही क्या हुआ, गलत हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्राइटेरिया। ये नाउन के बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये देखो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। आप हमेशा इस बात को माइंड में रख के इस सीरीज को देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अपने मन से मैंने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है, ठीक है। अपने मन से क्वेश्चन लेने से क्या होता है कि या तो लेवल बहुत हाई हो जाएगा या तो लेवल बहुत लो हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे मेनी लिखा हुआ है, पीपल का पीपल्स लिखना यहाँ पे गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, कि पीपल का यहाँ पे अर्थ हुआ है लोगों के सेंस में, ठीक है। पीपल का प्रयोग हुआ है लोग के सेंस में, तो आप यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लुरल होता है, ठीक। तो आप यहाँ पे अलग से प्लुरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, आंसर क्या बनेगा ये। अच्छा एक चीज और देखो, पीपल का पीपल्स बनता है, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है इसका अर्थ नेशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्र। ठीक, देखो मेनी पीपल वेयर बोर्ड टू सेफ्टी बाय द आर्मी हेलीकॉप्टर फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। फ्लड हिट एरिया का मतलब हो गया जहां पे क्या हुई थी, फ्लड आई थी, ठीक, जहां पे क्या हुई थी, बाढ़ आई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ए। 45 नंबर में देख लेते हैं, फिर वही दिक्कत है, सम के बाद पीपल्स लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे गलती कहाँ पे है, पीपल का आप लोग पीपल्स नहीं बनाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ देते हैं, लिव इन द, अब यहाँ पे देखो द होना चाहिए, लिव इन द नीदरलैंड्स, है ना, लिव इन द नीदरलैंड्स साइकिल टू वर्क एंड बैक डेली, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये दिमाग मत लगाइए कि नीदरलैंड जो है इसका एस लगा है, ऐसा कुछ नहीं है, नीदरलैंड से लिखा जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात्स, अमीरेट्स, ठीक है। तो वहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब एक साथ जो देश रहते हैं वैसे, तो उसके लिए नीदरलैंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो बोथ लिखा हुआ है, बोथ का प्रयोग हम लोग जब भी करते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन होना चाहिए प्लुरल में, क्योंकि बोथ का प्रयोग होता है दो के लिए। ठीक, अब देखो एक होता है अपने पास कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन का जब आप प्लुरल बनाते हैं तो जो मेजर वर्ड होता है, ठीक है, मेजर वर्ड होता है उस पे आप, उसके साथ आप क्या करते हो, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है प्लुरल बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मदर इन लॉज लिखा हुआ है, तो इंपोर्टेंट इसमें क्या है, यानी कि मेजर वर्ड क्या होगा, मदर होगा कि लॉज होगा, तो जाहिर सी बात है मदर होगा, तो मदर का प्लुरल बनाया जाएगा, तो मदर्स इन, अब यहाँ पे लॉज नहीं क्या होना चाहिए, लॉ, ठीक है। तो हो जाएगा बोथ द मदर्स इन लॉ, ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मदर्स इन लॉज लिखा है गलत है, मदर इन लॉ लिखा है गलत है, मदर्स इन लॉ लिखा है, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी समझा देते हैं, बोथ द मदर्स मदर्स इन लॉज ना वेलकम द न्यूली वेड्स, न्यूली वेड्स जिनकी अभी अभी शादी हुई है, विथ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, गार्लैंड मतलब होता है माला, फूलों की माला से क्या है उनकी स्वागत किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, फिर यहाँ पे वही बात है, माई ब्रदर इन लॉज, तो यहाँ पे बनाना क्या सही होगा, ब्रदर्स इन लॉज, ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखना क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक, अब देखो हु लगा हुआ है, हु लगा है इन लोगों के लिए, जो ब्रदर इन, ब्रदर्स इन लॉज होंगे उनके लिए, हु के बाद जो भी यहाँ पे वर्ब लगा है ये वर्ब कैसा है, प्लुरल वर्ब है, प्लुरल वर्ब इसलिए लगा है क्योंकि ये जो हु है इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये वाला हिस्सा है। ठीक, इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विथ अस, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद से इस एपिसोड का अंतिम क्वेश्चन है, दिस मिसोगाइनिस्ट हेट्स, ठीक है ना। अब देखो मिसोगाइनिस्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब से हेट्स लिखा हुआ है जो कि वर्ब को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है। ठीक है, ऑल मदर इन, अब देखो ऑल लिखा है तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखना लॉज गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, दिस मिसोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर्स मदर्स इन लॉ एंड, अब देखो लेडी डॉक्टर्स लिखा है सही है, एंड हाउस मेट्स लिखा है ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है वह पर्सन जो महिलाओं से क्या करे, नफरत करे, घृणा करे। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में ये रहे 25 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने में मदद करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं सेट 3 में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।